नमस्कार, हाथों में श्री राम का टैटू। नमस्कार, मैं जिया यादव, आप देख रहे हैं कारा न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम विराजमान होने वाले हैं। इसी को चलते अलग अलग प्रकार से लोगों ने अलग अलग संकल्प लिए हैं और नागपुर के ऋतिक दरोड़ी जी ने संकल्प लिया है कि 1001 टैटू बनाकर देंगे। खास बात यह है कि वह दर्शकों को निःशुल्क टैटू बना के दे रहे हैं। नागपुर के ऋतिक दरोड़ी एक टैटू आर्टिस्ट हैं, जो कि कई सालों से अपने इस कला को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की खूबसूरत प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसके लिए संपूर्ण देश विदेश के साथ ही नागपुर शहर में भी इस दिन को लेकर धूम मची हुई है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने खास बात की, खास मुलाकात इस कार्यक्रम के तहत ऋतिक दरोड़े इनसे, जो कि इस मौके पर फ्री टैटू बनाकर दे रहे हैं। ऋतिक जी, बताइए कि निःशुल्क टैटू जो आप बनवा के दे रहे हैं, इसके पीछे की खास बात क्या है? जैसे कि सभी को पता है, 22 जनवरी 2024 राम मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमने आयोजित किया है। जैसे कि सब अपने अपने हिसाब से राम भक्ति दिखाते हैं, वैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं मेरे हिसाब से जो मैं कर सकता हूँ वो करके लोगों को अपनी भक्ति दिखा रहा हूँ। और जिस प्रकार से आपके पास आपने बोला है कि आपने 1001 लोगों को निःशुल्क टैटू बनाने का संकल्प लिया है, तो अभी तक कितने आपने कंप्लीट किए हैं टैटू बनवाकर? जैसे कि सभी को पता है कि 2 तारीख से चालू किया गया है, आज की तारीख है 11, आज तक के हम 500 कंप्लीट कर देंगे। कल तक के 450 कंप्लीट हो चुके हैं। और रिजर्वेशन, जैसे कि 1001 हमने रखे थे, वो पूरी रिजर्व हो चुकी है, जैसे कि वो 22 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके अलावा भी वेटिंग में 500 लोग गोकर वेटिंग लिस्ट में नाम लिखा हुआ। तो अभी ऋतिक जी, रजिस्ट्रेशन चालू है या बंद कर दिए गए हैं? रजिस्ट्रेशन वैसे तो बंद हो चुका है, पर तो भी जो ज़्यादा ही फोर्स करता है लिख लो नाम, इसलिए हमको लिखना पड़ता है। जैसे कि सभी को पता है, मैंने लक्ष्य तो लिया है, पर मेरी एक इच्छा ये भी थी कि जैसे हमारे माननीय मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, में उनके भी हाथ पे श्री राम जी का नाम लिखना चाहता था। उसमें सिर्फ जो चीज़ें लगती है, एक्सपेंसेस वगैरह, वो सब चीज़ों का कॉस्ट आया, इसमें मैं मेरी कुछ फीस ऐड नहीं किया है। जैसे कि ये सिर्फ खर्चा ही उतना है, घाटे का कोई यही नहीं है, जैसे कि हम घर से ही कर रहे हैं, समझ लो श्रद्धा है। एक अपने तरफ से जो कर सकते हैं सहभाग वो करें। 1001 निःशुल्क टैटू बनाकर देने का संकल्प उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर लिया था, जो कि अब करीबन 500 निःशुल्क टैटू बना चुके हैं। आगे आने वाली 22 जनवरी तक यह प्रक्रिया चलेगी। ये भैया ने जो हमको टैटू बनाने का जो उन्होंने जो संकल्प लिया था, तो उसको हमने पूरा सपोर्ट किया। और हमारा जो फ्रेंड्स ग्रुप है पूरा, इन्होंने हमने सब ने जय श्री राम लिखाया है, तो अच्छा है ना, अपने श्री राम आ रहे मंदिर में पधार रहे, तो अपन नागपुर वाले को भी कुछ करना चाहिए ना, तो आज हम खुश है, तो इसलिए हमने सोचा चलो इनको हम भी सपोर्ट कर दे और अच्छे से उनको उसका यानी आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें। और इस संकल्प में उनके परिवार और दोस्तों का पूर्ण रूप से सहयोग रहा। मेरे बेटे ने, ऋतिक दरोड़े ने, ये जो अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जो संकल्प लिया है 1001 टैटू बनाने का, उसे मेरा पूरा सहयोग है और सपोर्ट है, और इसका मुझे बहुत गर्व है। यानी बहुत मन प्रफुल्लित लग रहा है कि मेरे बेटे ने जो कार्य कर रहा है उसके बारे में। टैटू बनवाने का ये काम जो ये 3 साल से स्टार्ट है इसका, लेकिन ये जो अवसर आया है ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चांस है, ऐसा लगता है मुझे। इसी के साथ कैमरा पर्सन विशाल रायपुरे के साथ मैं जिया यादव, कारा न्यूज़ नागपुर।